दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक यूएसबी पैनल को रिपेयर करना सिखाऊंगा। हालांकि यूएसबी पैनल को रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इसके अंदर जो आईसी लगी हुई रहती है वो आसानी से मिल नहीं पाती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी प्रकार के यूएसबी पैनल में अलग अलग आईसी देखने के लिए मिलती है और इन आईसी को अगर आप गूगल पर सर्च करके इनके नंबर को भी देखना चाहोगे तो भी आपको मुश्किल से मिल पाएगी। अब यहाँ पर जो मैं इसे रिपेयर करूँगा इस वाले ब्लूटूथ मॉड्यूल की आईसी को चेंज करके करूँगा, यानी कि जो इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के अंदर आईसी लगी हुई है उसका और यूएसबी पैनल की आईसी का नंबर सेम है। आजकल के जो यूएसबी पैनल आ रहे हैं बिल्कुल उनमें यही वाली आईसी यूज़ हो रही है और इसके पिन डिटेल्स और जो इसका पूरा डायग्राम मैंने मल्टीमीटर से फाइंड किया, यानी कि यहाँ से जो 5 वोल्ट इनपुट हो रही है वो किस पिन पर जा रही है इसके और इसमें 5 वोल्ट की पिन किधर पर आपका जाती है और सिग्नल कहाँ से आउटपुट होते हैं, सब कुछ मैंने इसको अच्छी तरीके से देखा। उसके बाद यहाँ पर इसको चेंज करने का फैसला ले लिया है। ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बस आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दीजिए और हाँ, लास्ट पे एक प्यारा सा कमेंट आपने करना है, जिसका कमेंट बहुत अच्छा रहेगा उसको मैं ज़रूर पिन कर दूँगा। बाकी आप लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए। अब चलिए इसको चेंज करने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। इसको चेंज करने से पहले आपको सबसे पहले इसके पिन डिटेल्स ढूंढने, ये नहीं कि आपने सेम आईसी देखी और डाल देनी है। नंबर इसमें थोड़े से डिफरेंस है, 1-2 नंबर का डिफरेंस है, बट यहाँ पर पिन डिटेल सेम है। ये आईसी है और थोड़ा सा मैं आपको फोकस करवा दूँ, मल्टीमीटर को बजर की रेंज पर रखा हुआ है और यहाँ पर जो ब्लूटूथ पैनल में आईसी लगी हुई है, ठीक है, उसमें जो हमारी इनपुट वोल्टेज आती है यानी कि यहाँ से जो 5 वोल्ट हम इनपुट देते हैं वो किस पिन पर जा रही है वहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर देखिए, ये है 5 वोल्ट की पिन, एक पिन एक प्रोब को यहाँ पर रख लेंगे और यहाँ पर उस पिन को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर वहाँ पे बीप मार जाएगा, देखिए यहाँ पर नहीं कर रहा और ये देखिए यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर की पिन में यहाँ पर ये बता रहा है। देखिए इसकी फर्स्ट नंबर की पिन पे यहाँ पर बता रहा है, यानी कि जो 5 वोल्ट हमारा जा रहा है इधर आईसी की फर्स्ट नंबर की पिन पर जा रहा है। अब यहाँ पर वही हम इसमें फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ 5 वोल्ट यहाँ पर है, VCC मतलब 5 वोल्ट यहाँ पर इनपुट होनी है, ठीक है। एक पिन को हम यहाँ पर लगा लेंगे और आईसी की पोजीशन को सेम देखते हैं, ये देखिए सेम पोजीशन मैंने रखी है आईसी की और यहाँ पर हम इसको 5 वोल्ट पर रखेंगे, यानी कि यहाँ पर रख लेंगे और अब हम इस आईसी के फर्स्ट पिन पर यहाँ पर टच करेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ पर भी ये फर्स्ट पिन पर इनपुट बता रहा है और उसी प्रकार जो इसके आउटपुट है, यानी कि देखिए यहाँ पर जो लेफ्ट राइट ग्राउंड लिखे ना, इसके जो पिन हैं यहाँ पर जितने नंबर पे जा रहे हैं बिल्कुल इस आईसी में वैसा ही हो रहा है। ये जो लेफ्ट राइट है ना, बिल्कुल उसी पिन पे जा रहा है, बिल्कुल सेम यहाँ पर मैंने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से वो फाइंड किया जाता है। बेसिकली जब तक आप ये चीज़ें ना देखें तब तक आप आईसी को चेंज ना करें, ठीक है। तो ये सब फाइंड करके मैं यहाँ पर इसको चेंज करने का फैसला ले लिया है। अगर सक्सेसफुल हो जाता तो वीडियो पब्लिश कर दूंगा, नहीं हो पाता तो इस वीडियो को अपलोड या फिर पब्लिश नहीं कर पाऊंगा। चलिए प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं, ये अपनी रिस्क में कर रहा हूं और हाँ, ये सब आपके बेसिक नॉलेज के लिए पब्लिश कर रहा हूं। हालांकि इसका प्राइस 20 से 30 रुपये आता है और इसका प्राइस आपको 70-80-90 रुपये तक मिल जाता है। अगर आप रियली में सीखना चाहते हैं तो वीडियो पर बने रहिए, वरना आपको लगता है कि इसको हमने परचेज कर लेना चाहिए तो आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, ये वीडियो आपके कोई भी काम की नहीं है। अब चलिए इसकी आईसी की चेंज करने की प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, इस ब्लूटूथ मॉड्यूल को कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पर देखिए 12 वोल्ट वाला बनाया, यानी कि 12 वोल्ट से हम कैसे इसको चला सकते हैं वाला सिस्टम बनाया था, लेकिन कुछ दिनों पहले एक छोटी सी गलती से ये मेरा डैमेज हो चुका था। इसकी आईसी की यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी आईसी यहाँ पर जली हुई है, जहाँ पर इसकी आईसी का एक पॉइंट रहता ना, एक मार्क यहाँ पर देखिए फटा हुआ है, देखिए इस तरीके से जली हुई है। आपको इसको रिपेयर करना बताऊंगा, उससे पहले इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं इसे फेक माने, बट जो चीज़ हम बताते हैं कभी भी अपनी वीडियो में फेक चीज़ों का इस्तेमाल या फिर फेक नॉलेज को हम नहीं प्रोवाइड करते। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। देखिए इसको मैंने 5 वोल्ट दे दिया, अब इसको मैं ग्राउंड देता हूँ, इस सेल से भी ये ऑपरेट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यह चल रहा है और बिल्कुल ओके है, बस इसकी जो प्रॉब्लम है साउंड आउटपुट नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम आ चुकी है। अब चलिए आईसी को चेंज करने की प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको इस प्लेट से बाहर निकाल लेता हूँ, क्योंकि इसे निकालने के बाद ही आसानी से हमारे PCB स्टैंड में या फिर PCB होल्डर में लग पाएगा, उसके बाद हम इसकी आईसी को आसानी से निकाल सकेंगे। चलिए इसे भी मैंने
इसके दोनों स्क्रू को रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसे फंसा के आसानी से इसकी आईसी को रिमूव कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल ये रेडी हो चुका है, अब एसएमडी को ऑन कर लेता हूँ। फाइनली एसएमडी भी ऑन हो चुकी है, इसको मैं हीटर और एयर बिल्कुल इसका कॉम्बिनेशन बना के रख लेता हूँ। तो चलिए सब कुछ फिट है, आईसी को निकाल लेते हैं और उस वाली आईसी को हम फिट कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, आप देख लीजिएगा। दोस्तों आईसी अपनी जगह बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो चुकी है और यहाँ पर जितनी भी लेग हैं आपस में बिल्कुल सेपरेट है। आप ध्यान से देखिए, कोई भी एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए, इससे आपकी आईसी भी ख़राब हो सकती है और कार्ड भी ख़राब हो सकता है। कार्ड तो क्या ख़राब होगा, बट आईसी ज़रूर होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ आईसी का ही पूरा काम होता है, ब्लूटूथ भी है और कोई भी इसमें काम, इसमें जो भी इसमें फंक्शन रहते हैं सभी आईसी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। अब चलिए इसकी टेस्टिंग करते हैं। भाई दिल में बहुत धक-धक हो रही है, क्या ये काम करेगा या फिर नहीं करेगा, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। मैं अपने रिस्क लेके आपको ये दिखा रहा हूँ। आज तक कभी किसी ने ऐसी वीडियो अपलोड नहीं करी होगी जो आईसी को चेंज करने से रिलेटेड हो, ठीक है, फिर भी इतना बड़ा रिस्क आप लोगों के लिए ले रहा हूँ। आई होप कि ये सक्सेसफुल हो जाना चाहिए क्योंकि सेम आईसी इसमें इस्तेमाल हुई है। चलिए इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। ग्राउंड का कनेक्शन हो चुका है, अब पॉजिटिव का कनेक्शन मैं कर लेता हूँ। तो चलिए इसका कनेक्शन भी मैंने कर लिया है। अब यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और आईसी काफ़ी हीट हो रही है, उतना तो हीट नहीं हो रही है, मतलब हीट हो ही रही है नॉर्मली जितना होनी चाहिए थी। बस यहाँ पर डिस्प्ले में कुछ भी फंक्शन नहीं आ रहे हैं, एक बार यहाँ पर हम इसको चेक कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, मैं ब्लूटूथ को सर्च करके देख लेता हूँ, ठीक है। चलिए एक मोबाइल पे मैं ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और इसको सर्च करके देख लेता हूँ। एक मिनट, ये है ब्लूटूथ का ऑप्शन, चलिए देखते हैं लास्ट में। देखिए ब्लूटूथ का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, बस डिस्प्ले में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ हमारा प्रैक्टिकल है, ठीक है। यहाँ पर ब्लूटूथ तो दिखा रहा है, एक मिनट, 3.0, क्योंकि इसका नाम 3.0 ब्लूटूथ ही है। भाई कनेक्ट भी हो चुका है, कनेक्ट भी हो चुका है, बस डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा। एक मिनट इससे आउटपुट लेके देखता हूँ, है ना, आउटपुट लेके देखता हूँ। एक मिनट, आउटपुट के लिए मैं यूज़ करूँगा एक एम्पलीफायर का, एम्पलीफायर ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है, ये वाला 5 वोल्ट वाला। पूरा मैं सेटअप यहाँ पर तैयार कर लेता हूँ, यानी कि इसको 5 वोल्ट दे देता हूँ और यहाँ पर स्पीकर के कनेक्शन कर लेता हूँ। बस यहाँ से जो हमारे सिग्नल के लिए निकल रहे थे ना, यानी कि यहाँ पर लेफ्ट राइट का, उससे इसको कनेक्ट कर लूँगा, फिर देखते हैं क्या ये चल पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर पूरा सेटअप हमारा इसका हो चुका है, यानी कि ये जो एम्पलीफायर है इसे हम 8403 एम्पलीफायर भी बोलते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। अब यहाँ से जो सिग्नल आएगा इसमें जाएगा और यहाँ से इसको हम चलाएंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रही है, बस वैसे बाकी ये ऑन है और हमारा मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3.0। एक मिनट, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश, हाँ देखिए 3.0 ब्लूटूथ यहाँ पर आ रहा है। काफ़ी लोगों को ये फेक वीडियो लग रही होगी, एक चीज़ मैं उन्हें बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर कभी भी हमारे चैनल पर फेक वीडियो अपलोड नहीं होती है, यहाँ पर हमेशा जेन्युइन कंटेंट आता है और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आपको मिलता रहता है, इसलिए आप इसे देखिए और सीखने की कोशिश कीजिए। बस यहाँ पर ये गलती होगी कि हमारे भी डिस्प्ले यहाँ पर नहीं आ पा रही है, बाकी सारा फंक्शन यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि जो कनेक्टेड हो रहा है ये ऑन हो रहा है, बाकी इसमें हम सिग्नल देखे देखेंगे, अगर ये आउटपुट भी करेगा तो समझ लीजिए ये चालू हो रहा है। चलिए इसको मैं कनेक्ट करता हूँ इसके साथ, यहाँ पर ये इसका इनपुट है और यहाँ से सिग्नल हम लेंगे, ठीक है। एक एंटीना की वायर है उसको साइड छोड़ देंगे और बाकी यहाँ पर चलिए कनेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ, अगर प्ले हो गया, सक्सेसफुल हो गया तो हमारे लिए खुशी की बात होगी, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन इसमें वर्क कर रहा है। तो चलिए अब आपको मैं सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, चलिए रेडी करते हैं।
आप ध्यान से देखिएगा, स्पीकर को देखिए ध्यान से, इसके पर्दे को देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, मतलब सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं और ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, डिस्प्ले नहीं चल रही है। अब यहाँ पर इसके और फंक्शन को भी, यानी कि बटन वगैरह इसमें प्रेस करके देखते हैं, ये बटन वो काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा, ये भी काम नहीं कर रहा और ये भी काम नहीं कर रहा, बाकी सब कुछ इसमें चल रहा है। देखिए इसमें एक काम करके देखता हूँ, एक रिमोट को लगा के देखता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर इस रिमोट को इसके साथ मैं चला कर देखूँगा यहाँ पर सब। चलिए गाना पहले प्ले कर लेता हूँ। कोई भी बटन वर्क नहीं कर रहा, इसका मतलब रिमोट के लिए इसमें फंक्शन नहीं डाले गए, यानी कि जो इसमें आईसी लगती है, पहले मैं सॉन्ग को पॉज कर लेता हूँ, जो इसमें आईसी लगती है वो सिर्फ ब्लूटूथ को एक्सेप्ट कर रही है, बाकी इसमें ना तो डिस्प्ले चल रही है और ना ही इसमें ये कोई भी बटन यहाँ पर वर्क कर रहा है। टोटल मिला के ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर जो भी सॉफ्टवेयर पड़ा है वो सिर्फ ब्लूटूथ का है। एक काम हम और करके देखते हैं, इसमें एक पेन ड्राइव को लगा के देख लेते हैं। चलिए मैं एक पेन ड्राइव इसमें कनेक्ट करता हूँ और चला के देखता हूँ इसमें क्या रिजल्ट मिलता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ये ब्लूटूथ की चिप है ना, इसमें DPDM यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए ये DPDM यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि डाटा प्लस एंड डाटा माइनस का, ठीक है। और क्योंकि जो पेन ड्राइव पे चार आपके पॉइंट्स होते हैं ना पेन ड्राइव पे, वो आपके प्लस माइनस DPDM के होते हैं, क्यों ना इसमें पेन ड्राइव लगा के देख लिया जाए। तो चलिए मैं एक पेन ड्राइव बना लेता हूँ जिसमें नॉन कॉपीराइट सॉन्ग को इसमें डाल के इसमें चला के आपको दिखा लेता हूँ। दोस्तों इस पेन ड्राइव को मैंने तैयार कर लिया है, चलिए इसको मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। अब देखते हैं इसमें क्या रिजल्ट हमें मिलता है। कुछ साउंड तो आया था, एक साउंड आया था छोटा सा बीप करके। इसमें सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, एक मिनट मैं इसमें, हाँ मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है, इसमें साउंड क्यों नहीं है, चलिए मैं चेक करता हूँ इसमें सॉन्ग वगैरह है या फिर नहीं है। मैंने इसमें सॉन्ग तो डाला था, एक बार मैं इसमें सॉन्ग फिर से डाल के देख लेता हूँ, ठीक है। यहीं पर OTG वगैरह लगा के सॉन्ग को डाल के देख लेता हूँ। तो चलिए सॉन्ग इसमें सक्सेसफुली डल चुका है, चलिए अब इसको कनेक्ट करते हैं इसके साथ। पहले इसमें प्ले कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, पूरा सेटअप आपके सामने है, आप देखिए। देखिए कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, इस स्पीकर में जो भी साउंड आ रहा है वो इसी सेक्शन से आ रहा है। आपको लग रहा होगा ना इसमें अलग से कोई इसमें फंक्शन मैंने ऐड किया है, तो आप खुद देख लो, आपको लगता होगा कि मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह प्ले किया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो को फेक बोलते हैं। आप बिल्कुल अपने सामने देख लो, बिल्कुल देख सकते हैं आप, बिल्कुल यही, इसके अदर कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर स्पीकर का जो पर्दा है ना, आपको मैं थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा मैंने किस तरीके से यहाँ पर इसको प्ले कर रखा है, ठीक है। चलिए पॉज कर लिया है, अब इसमें USB को लगा के देख लेता हूँ। चलिए देखिए एक यहाँ पर बीप सी आई, काफ़ी ज़ोर से इसमें साउंड आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसमें एक वॉल्यूम का स्विच एक्स्ट्रा डाल देता हूँ ताकि हम वॉल्यूम को कम कर सकें, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम को कम करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ से जो हमारे सिग्नल, यानी कि यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है इस पर, उसमें बीच में एक वॉल्यूम का स्विच लगाना ज़रूरी। चलिए मैं वॉल्यूम के स्विच को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, अब ठीक है।
चलिए अब वॉल्यूम बढ़ा लेता हूँ इसका। ये कनेक्ट, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए ब्लूटूथ के साथ यह कनेक्ट हो चुका है पेन ड्राइव निकालते ही। अब मैं इसमें ब्लूटूथ से सॉन्ग वगैरह प्ले कर सकता हूँ। यहाँ पर देखते रहिएगा, ठीक है, ये पाउज हो जाएगा। जैसे मैं इसको इनपुट कर दूंगा तो ये पाउज हो जाएगा, क्योंकि पेन ड्राइव यहाँ पर चालू हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये पाउज हो गया, ये चल गया। फाइनली आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से वर्क कर रहा है। आईसी इसमें अटैच हो जा रही है, सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर ना तो डिस्प्ले आ रही है, ना तो यहाँ पर बटन वर्क कर रहे हैं। उसी की बात तो ये है, इसमें पेन ड्राइव वर्क कर रही है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैं सोच रहा हूँ कि इस वाले चिप पर बनाऊँ, यानी कि इस वाले ब्लूटूथ पर बनाऊँ, ठीक है, जो ये ब्लूटूथ हम हमेशा यूज कर रहे हैं इस पर बनाऊँ। इसमें जो DPDM इसमें ऑप्शन है, उसमें एक पेन ड्राइव लगाकर दिखाऊं, यानी कि एक ब्लूटूथ को हम पेन ड्राइव वाला भी बना सकते हैं इस ट्रिक का यूज करके। ठीक है, अगर आप लोग सहमत हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि इसका एक वीडियो मैं पब्लिश करूं, तो भाई कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इसमें और भी अगर इम्प्रूवमेंट कुछ करने होंगे तो मैं देखता हूँ, और उसके बाद मैं और भी वीडियोज़ इस पर बनाऊँगा। बहुत सारे इसमें मेरे को टॉपिक अभी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और बस एक छोटा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।